हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बोटनेक कुर्ती का ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाना, जो कि आप देख सकते हैं पिक में। इस तरीके से ये हमारा नेक डिज़ाइन है और इसको मैंने डेकोरेट किया है मिरर लेस के साथ, और साथ ही मैंने बनाई हुई है गोल्ड स्लीव। और इस स्लीव को हमने कोहनी तक बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही प्रीटी लुक दे रही है इसके साथ। आप देख सकते हैं इसे मैंने वेयर किया हुआ है एक वेडिंग में, तो इस तरीके से ये लुक आएगा फाइनल कुर्ती बनने के बाद। तो इसे बनाने के लिए सिंपली हमें कुर्ती को कटिंग कर लेना है, जैसे हम कॉलर कुर्ती की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग ले लिया है। लाइनिंग में जो हमने ये शोल्डर है वो 7 इंच रखा है। जितना भी आपका शोल्डर होगा उसका हाफ रखना है, और आर्महोल की लेंथ मैंने यहाँ पर 7 इंच रखी है। तो आप अपने राउंड आर्महोल के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को रख सकते हैं। यहाँ पर नेक की जो विड्थ है वो मैंने 4 इंच ली है। आप इसे 4.25 या 4.5 और 5 इंच तक ले सकते हैं। नेक की लेंथ मैंने यहाँ पर 3 इंच रखी हुई है, और इस साइड भी 3 इंच पर मार्क कर लेना है। और इस पॉइंट से हमें दूसरे पॉइंट तक इसको मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पर मैंने ये राउंड शेप ले लिया है। आप इसे वोट नेक का शेप भी दे सकते हैं। ऊपर से नीचे हमें 6 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरीके से। और अब ये जो हमारा नेकलाइन हमने ड्रॉ किया है, वहाँ से नीचे तक ये 3 इंच है, इसका हाफ पर मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर। और जो 1.5 इंच की मार्किंग है वहाँ से हमें अंदर की तरफ 1.25 पर मार्क कर लेना है। और अब नीचे वाले पॉइंट्स को हमें ऊपर 1.25 वाले पॉइंट से मिलाते हुए इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेना है, और एज इट इज़ हमें शेप के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। तो ये शेप को हम कट कर लेंगे, और ऊपर से नेक लाइन जो हमने ड्रॉ किया हुआ है इसे भी हमें कट कर लेना है। तो गाइज़ ये लाइनिंग पर हम कटिंग कर रहे हैं, और स्टिच करने के बाद ये जो हमारी नेक की ब्रॉड है वो 0.25 बढ़ जाएगी एक साइड से, यानी कि ये 1/2 इंच दोनों साइड से हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब कुर्ती को हमें राइट साइड पर रख लेना है, ऊपर से सीधे साइड होनी चाहिए, और उसके ऊपर लाइनिंग को हमें रख लेना है। तो बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए नेक लाइन हमारा जो है, बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए हमें इसे रख लेना है। और जैसे ये हमारा नेक डिज़ाइन ड्रॉ है उसको अच्छे से बैठा के हमें पिन अप कर लेना है। और अब पिन करने के बाद इस पर हमें एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। और अब इस पॉइंट पे आकर हमें नीडल को नीचे करना है, और उसके बाद फैब्रिक को घुमाना है। तो ये एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर लगा के लेके आएंगे। एक पैर की सिलाई जब आप लगाते हैं तो आपकी जो सिलाई है बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी आपकी सिलाई नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगाते लेके आना है। अगेन नीडल नीचे करेंगे, उसके बाद फैब्रिक को टर्न करना है। अब सिलाई लगने के बाद ये जो हमारा कुर्ती का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा नेक डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंग हमें यह फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। और अब यहाँ पर हम कट कर लेंगे, नॉच मार्क लगा लेंगे। तो ये कॉर्नर में हमें लगाना है, और जो हमारा राउंड है वहाँ पे भी हमें इस तरीके से कट लगा लेने हैं। तो कट लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो कट है वो सिलाई पर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। सिलाई पर लगने से आपकी सिलाई खुल जाएगी और आपको फिर से उस पर सिलाई लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से ध्यान से आपको कटिंग कर लेनी है। और ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है, ताकि जब आप इसको टर्न करें तो फिनिशिंग के साथ आपकी ये नोक निकल के आए। अब इसको हमें राइट साइड में टर्न कर लेना है, और टर्न करने के बाद ये जो हमारा नोक वाला साइड है इसको हम किसी नोकेली चीज़ से सीधा कर लेंगे। तो ज़्यादा पैनी भी नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई ना खुले, तो बहुत ही केयरफुली आपको इसको सीधा करना है। तो यहाँ पर मैंने ये जो हमारा नेक डिज़ाइन है इसको ऑलमोस्ट सीधा कर दिया है, और इस पर मैंने इसको आयरन से सेट कर लिया है अच्छे से। अब हमारा लाइनिंग और कुर्ती के पार्ट्स को हम इस तरीके से ऊपर से शोल्डर से स्टिच कर लेंगे।
और इसके ऊपर हमें लब की स्टिच लगा लेनी है। लब की स्टिच लगाने से हमारे नेकलाइन में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो ये नेकलाइन रेडी हो गया है। अब इस पर हमें यहाँ पर मिरर लेस लगानी है। तो इस तरीके से ये जो हमारा राउंड शेप है उस पर हमें घुमाते हुए लेस को लगाते लेके आना है, और लेस को आपको खींचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये जो हमारा गैप है इसे इस तरीके से आपको जोड़ना नहीं है। अगर आप इसको बिल्कुल जोड़ोगे तो ये बीच में आपके रिंकल्स आ जाएंगे इसमें। तो आपको इसको एज इट इज़ रखना है, जैसे भी ये शेप हमारा होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें लेस को यहाँ पे लगाना है। बिल्कुल भी फैब्रिक को खींचना या चिपकाना नहीं है। अभी एक सिलाई लगाने के बाद इस पर हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। अगर एक सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये इस तरीके से खड़ी हुई नज़र आएगी हमारी लेस, इसलिए इस पर हमें एक स्टिच और लगानी है। तो आप चाहें तो लेस पर बड़े टांके की स्टिच लगा सकते हैं, ताकि अगर आपको खोलना भी पड़े तो आप इसे ईजिली खोल सकें। लेस लग गया है। अब इसमें मैंने यहाँ पर ये मिरर निकाल लिया है लेस में से एक, और इसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसको लगाना है। तो लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको बिल्कुल टाइटली नहीं लगाना है। अगर आप टाइट लगा देंगे तो ये जो आपका मिरर है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ नज़र आएगा। तो हल्का सा धागे को लूज छोड़ते हुए हमें इसे सुई से पक्का करना है। तो ये नेकलाइन हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमारा ये लुक आएगा, जो कि बहुत ही प्रिटी लगता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।